प्रभात। कक्षा 9वीं में हिंदी सब्जेक्ट में आज हम हिंदी के विषय में पढ़ेंगे। कुछ अर्थ संबंधी प्रश्नों के उत्तर के बारे में मैं आज पढ़ाऊंगी आपको दो बैलों की कथा, जिसमें जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसके अर्थ ग्रहण संबंधी हम प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं ये प्रश्न और उत्तर। इनके जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, क्यों? सीधेपन इसकी निरापद सहिष्णुता से कहना उसे यह पदवी दे दी गई है। लेकिन इसका विषय नहीं है, किया जा सकता है कि यह गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनानास ही सींगनी कर उदाहरण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना है, ना ही हमने देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। अब इसमें से हमको प्रश्न दिए गए हैं हल करने की। प्रश्न है, कहानी तथा कहानीकार का नाम लिखिए, फिर गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए, हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं, फिर प्रश्न गधे को गधा कहने के पीछे क्या कारण है उसको लिखिए, प्रश्न बताया गधे की कौन सी विशेषता है जो अन्य पशुओं से अलग है या भिन्न है, पहले दर्जे का बेवकूफ का आशय क्या है, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट करिए। अब हम उत्तर जानेंगे कहानी तथा कहानीकार का नाम। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा, और जैसा कि मैंने लेखक बताया मुंशी प्रेमचंद, तो कहानीकार का नाम है प्रेमचंद। फिर गद्यांश का आशय के लिए हमको बताया है आशय कि जानवरों में गधे को सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। हम किसी आदमी को बिल्कुल मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि गधा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन गधा सचमुच मूर्ख होता है या उसके सीधेपन और सहनशीलता के कारण उसे मूर्ख समझा जाता है, यह जानना बहुत मुश्किल है। गधे की तुलना में गाय गुस्सैल होती है, वे क्रोध में आकर सींग मारती है, परंतु फिर बच्चा होने के बाद तो गाय फेरनी के जैसे हो जाती है। वह अपने बछड़े की रक्षा के लिए हिंसक बन जाती है। कुत्ता भी स्वभाव से सरल होता है, परंतु वो भी कभी कभी क्रोध उसको भी आ जाता है, परंतु गधा कभी क्रोध नहीं करता। किसी ने उसे गुस्से होते भी नहीं देखा है। उस बेचारे को चाहे मारो चाहे सभी उन घास दे दे पिलाओ, पर वह कभी नाराज नहीं होता, चेहरे पे कभी असंतोष भी नहीं आता। हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं? आंसर है, उत्तर है, हम किसी मनुष्य को मेरा मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधे को गधा कहने के पीछे दो कारण स्पष्ट होते हैं, जैसे कि मूर्ख या बेवकूफ होना, सीधा और सहनशील होना। गधे की अत्यधिक सहनशीलता, सरल संतोष वृद्धि, दुख सुख को एक समान मानने की भावना उसे अन्य पशुओं से भिन्न बना देती है ना? क्या सुख दुख और सबके भावनाओं को समझने वाला और दूसरे पशुओं से अलग ऐसी भिन्नता बताई गई है गधे को। किसको? गधे को। अब है पहले दर्जे के बेवकूफ का आशय है बिल्कुल मूर्ख होना या निरामूर्ख, कुछ भी नहीं जानने समझने वाला। निरापद सहिष्णुता का अर्थ है ऐसी सहनशीलता जिससे विरोधी को कोई खतरा ना हो, किसी भी विपत्ति में ना डालने वाला सहनशीलता होना। फिर है दूसरा अर्थ स्पष्ट देखना है हमको कि वैशाख
नाम है दो बैलों की कथा और कहानीकार का नाम जैसा कि मैंने बताया मुंशी प्रेमचंद जी। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर, गधा कभी प्रसन्न नहीं दिखता, दो वैशाख के महीने में खूब घास खाकर चाहे वह उछल कूद कर भी लेता है पर वह डेचू डेचू का शोर भी कर लेता है, परंतु उसके आगे पीछे वह कभी खुश नहीं दिखता, उसके चेहरे पर हमेशा निराशा भरा दुख दिखाई देता है, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, किसी भी दशा में उसके चेहरे पर बदलाव नहीं आता। ऋषि मुनियों के बारे में कहा गया है कि सुख दुख में एक समान रहते हैं तथा सरल सीधे सहनशील होते हैं, सब गुण गधे में बहुत अधिक मात्रा में होते, फिर भी मनुष्य उसे मूर्ख कहता है, वह सब गुणों का सरासर अपमान कर शायद सौभाग्य शायद सीधापन की संसार में नहीं भाता है। प्रश्न तीसरे का उत्तर है, यहाँ गधे का वर्णन वैशाख के महीने में वह खूब उछल कूद करता है और प्रसन्न व्यक्त करता है क्योंकि उस समय बहुत हरा हरा घास उसको मिलता है, चारों तरफ हरियाली दिखती है, इसलिए वह खुश दिखता है। फिर गधा तथा ऋषि मुनियों में बहुत सारी समानताएं, जैसे कि सुख दुख में एक समान रहता है, सरल सीधा होता है, अत्यधिक सहनशील होता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होता, हर परिस्थिति में वह संतुष्ट रहता है और गधा। फिर इस अनुच्छेद को पढ़कर यह बोध होता है कि सरल सीधा कम सहनशीलता को मूर्खता कहा गया है, इसलिए हमें बहुत सरल और सहनशील नहीं होना चाहिए, हमें अत्याचारों के विरुद्ध क्रोध और विरोध भी प्रकट करना आना चाहिए। फिर स्थायी विषाद का आशय है चेहरे पर हमेशा दिखाई देने वाला उदासीन या नीरसता, उदासी और नीरसता होती है। पराकाष्ठा का अर्थ है चरम सीमा यानी नीचे, चरम सीमा रुका हुआ है ना, ऊंचाई बहुत अधिकता। फिर अब तीसरा हम देखेंगे पहला रहा कि राह में गाय बैलों का एक बड़ा हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया, सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पांव करता था, कितना सुखी जीवन था इसका इनका, पर कितने स्वार्थी थे ये लोग सब, किसी को चिंता नहीं थी, उनके दो भाई भी बचे थे हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। प्रश्न ये कहानी तथा कहानीकार का नाम बताइए। फिर आया प्रश्न, फिर इस अनुच्छेद का प्रसंग लिखिए, इस अनुच्छेद में ये पूरे पैराग्राफ है ना। फिर हीरा मोती को प्रसन्न पशुओं का देवर स्वार्थी क्यों कहा जाता है, यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो आप इस दृश्य के बारे में क्या करेंगे। इन सब प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं कि क्या बताया है? कहानी का नाम वही दो बैलों की कथा, कहानीकार का नाम मुंशी प्रेमचंद जी। फिर हीरा और मोती कांडी हाउस में नीलाम कर दिए गए हैं, उन्हें एक कसाई खरीद कर अपने हाथ से ले गया है, लेकर चला गया है और उन्हें एक जगह प्रसन्न पशुओं का रेवड़ मिला जो मस्ती में खुले कर रहे थे, यानी मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। यहाँ इसी स्थिति का विवरण किया गया है। इसके बाद हीरा मोती का बताएंगे कि थोड़ा सा और क्या इन लोगों की हरकतों के बारे में बताया है। तीसरा है हीरा मोती कसाई के हाथों में पड़े हुए, उनके सिर पर मोत कसाया मरगा रहा है, ये कई दिनों के भूखे प्यासे रहते हैं, वे चाहते हैं कि उसके समाज के अन्य साथी और उनकी दुर्दशा की ओर ध्यान दिया जाए, उन्हें संकट से उबारा जाए, परंतु स्वतंत्र पशु अपनी मस्ती में खोए हुए रहते हैं, उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, इसलिए हीरा मोती को प्रसन्न पशुओं का समूह स्वार्थी लगने लगता है। यदि हम दृश्य को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हमें जान पड़ता है कि हीरा मोती स्वतंत्रता सेनानी है जो स्वतंत्रता के लिए जी जान लगा रहे हैं। दूसरी ओर प्रसन्न पशुओं का समूह भी भावनाओं से शून्य है, सुख भोग में मदमस्त है, उन्हें ना आजादी का बोध है ना स्वतंत्रता आंदोलन की कोई चाहते, वो बने ही रहना चाहते हैं दूसरे जानवर, लेकिन हीरा मोती को स्वतंत्र आजाद होने की भावना जागृत है और वो स्वतंत्र होना चाहते हैं कांची।